आदाब नाजरीन, देखिए अहम खबर एएसजे न्यूज पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद कासिम, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे अमन नगर में जो फारूक साहब और जो खादरी साहब ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से यहाँ छोटी सी मीटिंग इंतजाम करे। ये मीटिंग का मेन मकसद था यहाँ का रहने वालों को माइनॉरिटीज़ का स्कीम्स कैसा है, माइनॉरिटीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कौन सा स्कीम्स अमल कर रहे, वो स्कीम्स को कैसा अपन दाखिल करना, इसके बारे में तफसील से बताओ बोले तो मैं यहाँ आया हूँ। मगर यहाँ पे जो आने के बाद यहाँ ख्वातीन और नौजवान और बहुत से लोग यहाँ जमा हो गए, उन लोगों को मैं जो माइनॉरिटी स्कीम्स के बारे में अच्छा समझाया बोल के बहुत खुशी हुई, और उन लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है। और बाकी का यहाँ जो जो एलिजिबल है वो स्कीम्स में दाखिल करने के लिए मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करा, सब लोग बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर दिए। इसके जो फल जो है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में बच्चे शरीक होने के लिए, स्कीम्स में नौजवान बच्चे एडमिशन लेने के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। ये मौका देने के लिए ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट शमशाद खादरी साहब को और फारूक साहब को और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्ते का गुड इवनिंग। मैं श्री शमशाद खादरी, नेशनल प्रेसिडेंट आपसे मुखातिब हूँ। आज का ये अवेयरनेस प्रोग्राम माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर मुनद किया गया था, जिसमें यहाँ के DMW साहब, माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर अली जनाब मोहम्मद कासिम साहब ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। ये बड़ी खुशायन बात है कि DMW साहब ने अपना फीमती वक्त निकाला और तमाम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं उनको उन्होंने तफसील से लोगों को जो एक्सप्लेन किया, लोगों को समझाया। मैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते हमारे तमाम ऑफिस बर जितने भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, अफजल बेगम, इशरत मैडम और तहसीन खादमा और फारूक साहब और जितने असाब यहाँ बैठे हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमको सुनने के लिए जो आए। मैं समझता हूँ कि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत थी और होना भी चाहिए, इसलिए कि अगर आप ऐसे मौके से अगर आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे, कासिम साहब ने एक एक चीज़ आपको बड़े अच्छे अंदाज में खुल के आपके सामने बयान की। मैंने भी तमाम स्कीमत का आपके सामने तस्करा किया। वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है कि हमको गवर्नमेंट की तमाम स्कीमत से फ़ायदा हासिल करना है, तो इसके लिए आपको हमको जद्दोजहद करना ज़रूरी है, ना कि घर में बैठ के खादरी साहब आएंगे, एप्लीकेशन देंगे या माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर साहब हमारे को कुछ बताएंगे, वो होने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी दिलचस्पी से आगे बढ़ते हुए तमाम स्कीमत को हासिल करने के लिए ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन 24 आवर्स आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जितने रात में आधी रात को भी अगर आप फ़ोन करके हमारे से कुछ मालूम हासिल करना चाहेंगे तो शमशाद खादरी और तमाम हमारे जितने ऑफिस बेरर हैं आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे, और आपकी अप्लीकेशन सबमिट होने तक, आपको मैसेज आने तक हम आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। मगर इसके लिए एक शमशाद खादरी अकेला या तहसीन फातिमा या फिर इशरत फातिमा अकेला काम नहीं कर सकते, इसके लिए आपका ताउन ज़रूरी है, आपका साथ ज़रूरी है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो यकीनन अल्लाह ताला से इस बात की उम्मीद है कि हम तमाम स्कीमत को हासिल करते हुए आपके ख़दमों तक ला के हम पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा मैं तमाम मीडिया ब्रदर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी इस एसोसिएशन में आके हमारे प्रोग्राम को जो कवर किया है। मैं समझता हूँ कि बगैर मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, हमारी कोई जो है मीटिंग कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि चौथा स्तंभ जो है मीडिया है। और मैं ख़ास तौर से मीडिया के जितने भी मेरे नौजवान या शायदी हैं, मैं उनसे इस बात की गुजारिश करूँगा कि आज के इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अगर वायरल करेंगे तो सारे तेलंगाना में इस ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन जो सबरोज जो कोशिश कर रही है मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को, सिखों को, ईसाइयों को फ़ायदा पहुंचाने की, स्कॉलरशिप दिलाने की, तो ये आपकी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि शमशाद खादरी को अपना भाई समझते हुए ये आपका जो आज का कवरेज है इसको अगर आप वायरल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा ये मीटिंग रखने का मकसद भी कामयाब होगा। और यहाँ जितने हजरात बैठे हैं, जितने खवातीन यहाँ बैठी हैं, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, मेरी उनसे खसूसी तौर पर गुजारिश है
कि आप लोग यहाँ से उठने से पहले ये दिल में सोच के उठिए कि शमशाद खाद